कि लास्ट क्लास तक तुम लोगों ने इस चैप्टर में ना रे ऑप्टिक्स यानी देख चुके हो कि प्रकाश का परावर्तन दो टाइप का होता है ना, प्रकाश का परावर्तन दो टाइप का होता है, नियमित और विसरित परावर्तन, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अच्छा प्रकाश के परावर्तन का नियम भी इन्हें लिखवा दिया था, पढ़ा दिया ना। प्रथम नियम था क्या कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण को एंगल आई होता है और परावर्तन कोण एंगल आर होता है, ठीक है, ये तो होता है ना। और उसका जो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम था वो क्या था, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है प्रतिबिंब। अब हमको सीखना है कि प्रतिबिंब एक्चुअल है क्या, प्रतिबिंब कैसे बनता है ना, चीज आपको सीखनी है। तो लिखो, सबसे पहले आपकी जो हेडिंग लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, प्रतिबिंब। तो लिखो हेडिंग प्रतिबिंब, ठीक है ना। इमेज बोलते हैं अपन लोग इसको अंग्रेजी में। अब ये इमेज क्या होता है, दो या दो से अधिक रे, रे बोले तो किरणें, दो या दो से अधिक किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद या तो वास्तव में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जिस बिंदु पर आपस में मिल रहे होंगे उस बिंदु पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्रकाश वास्तव में मिल रही है, कट कर रही है, कट प्रतिच्छेद कर रही है जिस बिंदु पर, वास्तव में अगर प्रतिच्छेद करती है तब हम कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और अगर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रहा है तब हम कहते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो आपको यही इसमें लिखना है फटाफट से, दसवीं क्लास का ही है लेकिन आप ट्वेल्थ में भी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लिखो, दो से अधिक किरणें, दो या दो से अधिक किरणें क्या लिखा है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, होती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आया आपको, ये होता है प्रतिबिंब की परिभाषा। अब क्या आता है हमारे पास कि प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार की होती है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो आपको इसमें लिखना है, लिखो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। देखो इसमें क्या होता है, जब
प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु पर प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है? समझे आप लोग? प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपको कौन सा? वास्तविक। अगर वास्तव में वो प्रतिच्छेद करती है फिर मिलती है। अब इसके बाद में आता है दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा इसमें है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल। यहां इमेजनरी नहीं बोलना, यहां हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल इमेज क्या है, देखो ध्यान से। वर्चुअल इमेज एक्चुअली है क्या? जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तब हम ये कहते हैं कि वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है प्रतिच्छेद होती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इधर लिखो, है ना, उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हुआ? प्रतिबिंब। कि भाई प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। लिख लो भाई फटाफट से ना, प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, इधर हमारे पास क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा, उधर हो गई आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा। ठीक है ना, दो प्रकार की क्या होती है? प्रतिबिंब होती है। ठीक है ना, अब यहां पे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है, क्या आभासी प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? तो इसका आंसर है। ठीक है ना, जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, वो क्या होती है? पर्दे के पीछे बनता है, या कह लो जो दर्पण है वो पीछे बनता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पर्दे के पीछे, उसको हम लोग कैमरे की सहायता से पर्दे पर ला सकते हैं।
पर्दे पर ला सकते हैं और फिर हम उसका फोटो खींच सकते हैं, ठीक है ना, उसका हम लोग फोटो ले सकते हैं। समझ में आया सबको? यानी कि क्या एक काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है। ये यानी कि वे किरणें जो काल्पनिक प्रतिबिंब से फैलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक होती है, ठीक है ना, और इनको हम लोग कैमरे के सहायता से पर्दे पर केंद्रित करके वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। समझ में आया ना? यानी कि नहीं आया? अरे मेरा मतलब यह है कि जो कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है कैसे? जो किरणें पड़ती है वो किरणें तो वास्तविक होता है ना, तो हम उस किरणों को कैमरे की मदद से स्क्रीन यानी कि पर्दे पर केंद्रित कर सकते हैं। तो जब वास्तव में केंद्रित हो जाएगा पर्दे पर तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, तो हम उसको फोटो आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है यहां पर क्वेश्चन यह था कि क्या आभासी प्रतिबिंब का फोटो खींच सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ, ठीक है ना, क्योंकि वो जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक किरणों से ही बनता है, वास्तविक है। तो उन वास्तविक किरणों को हम लोग पर्दे पर कैमरे की हेल्प से क्या कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है ना, और हम उसका फोटो फिर कैमरे से खींच सकते हैं। ये कहने का कैमरे पर्दे के पीछे बनेगा, फिर शीशे में दूसरे दर्पण से नहीं कर सकते? दर्पण से कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब फोटो तो कैमरे से ली जाएगी ना, समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम बिंदु मतलब जहां पर कोई था रखा हुआ। अब मान लो हमारे पास क्या है, ये दर्पण, क्या है ये, देखो ये हमारे पास दर्पण है, ये हमारे पास हो गया अभिलंब हो गया। अब यहां पर कोई वस्तु है तो ये प्रथम बिंदु हो गया, क्या हो गया, यहां से लाइट जाएगी ऐसे ऐसे जाएगी, तो ये आपतित और ये परावर्तित। अब जब ये प्रथम बिंदु हो गया, अब ये प्रकाश ऐसे गया और ऐसे कट करके ऐसे निकल गया, तो यहां ये दूसरी बिंदु है, क्या ये, तो ये जो दूसरी बिंदु है ये प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, यानी इसी बिंदु पर क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है ना। परावर्तन के पश्चात जो काट रहा है यहां पर इस जगह पर, भाई पहले हमारे पास यहां रखा हुआ था वस्तु, यहां था रखा हुआ, अब यहां से दो किरणें हमको निकालनी है। किरणें तो बहुत सारी होती है परावर्तित, अनगिनत। अब अगर उन सभी किरणों को हम लोग परावर्तित करने के बाद में दिखाएंगे तो प्रतिबिंब बनाने में हमें क्या होगी, हमें मुश्किलें आएगी, ठीक है ना, समस्याएं होंगी। तो हम इजिली आराम से प्रतिबिंब प्राप्त कर सकें, हम केवल दो ही किरणों को क्या करते हैं, दिखाते हैं अपने आरेख में, ठीक है ना। जब ना हम प्रतिबिंब के लिए रे का डायग्राम बनाते हैं, किरण आरेख खींचते हैं, तो हम केवल दो ही रे दिखाते हैं किरणें, ठीक है ना, दो ही किरणें हम लोग उसमें दिखाते हैं ताकि आराम से क्या बन सके, प्रतिबिंब बन सके, ठीक है, और हम उसको दिखा सके अच्छे से। वरना तो प्रकाश की तो किरणें बहुत सारी आती है ना, पुंज बहुत सारी आती है, सब एक साथ पड़ती है दर्पण के ऊपर और ऐसे फैल जाती है अलग अलग दिशाओं में। तो प्रथम हमारा का प्रथम बिंदु मतलब यह कि जो पहले जहां पर बिंब रखा था, तो बिंब का बनेगा जिस बिंदु पर प्रतिबिंब, वो बिंदु तो होता है, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब, तो द्वितीय बिंदु, यानी ये जो है इस बिंदु का प्रतिबिंब है पहले वाले का, ठीक है ना। तो प्रथम मतलब यहां पर यह था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, और अब हम लोग को क्या सीखना है, दर्पण के प्रकार क्या सीखना है कि भाई दर्पण है क्या, दर्पण है क्या, ये सब लोगों ने छाप लिया, लिख लिया। अब हमको क्या सीखना है, दर्पण के प्रकार, ठीक है भाई। तो लिखो दर्पण क्या होता है, मिरर, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी दर्पण, मिरर, क्या बनेगा, मिरर, आईना भी कहते हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। देखा है, अगर कभी शीशा हो उसे बिल्कुल इतना चौड़ा सा आता है शीशा, हाथ पे लो छोड़ दो नीचे गिर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हर एक टुकड़ों में अपनी फोटो बनती, इमेज बनती नहीं है, और हर एक फोटो में खाली तू ही तो होगा, या तुम्हारी वो भी होगी सामने, नहीं होगी ना भाई, मेरी तो नहीं होगी भाई, मैंने एक बार देखा था, आपकी और हमारी, ये जो सॉन्ग है वो राजेश खन्ना की है और लालू सही कह रहा है, तीनों मतलब ये है कि
अब भाई हमने दर्पण को नीचे छोड़ा, गिरता ही टूट गया, आईने में झांक के देख रहा तो खाली मैं ही दिख रहा था, और जैसा था वैसे ही दिख रहा था। इसीलिए गाना भी सोच समझ के बनाया है, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले। अब है तो भाई नजर, अब दिखाई थोड़ी देगी उसके अंदर है ना। चलो तो दर्पण चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है, मतलब मस्त चैप्टर है, पूरी तरह से मजा आने वाला है, ठीक है ना। लिखो दर्पण क्या होता है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर कलई अथवा लाल लेप से लाल ऑक्साइड, लाल मतलब ना फास्फोरस वगैरह होता है, ठीक है ना, लाल ऑक्साइड का लेप करके, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ न दे जाए, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त निकाय मतलब सिस्टम, निकाय को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ये हो गई दर्पण की परिभाषा, समझ आया सबको। यानी यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दो, या किसी लाल पेंट वगैरह, तो लाल ऑक्साइड मतलब कि फास्फोरस की बात हो रही है, लाल आता है फास्फोरस, उसका लेप बना करके पीछे कर दो पॉलिश, है ना, क्या जो हमारा लेप होता है अलग अलग रंग का होता है ना, कई रंग में उपलब्ध होता है, ठीक है, इसमें सल्फाइड होता है। क्या जरूरी नहीं है लेप लगा दो कोई सभी ला करके, ऑक्साइड तो होते हैं और क्या होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये क्या बनता है, ये आपका बनता है दर्पण, ठीक है ना। अब देखो तो हम लोग पहले समतल दर्पण देखते हैं ना, देखो ध्यान से, देखो भाई इसको हम कुछ इस टाइप से लेते हैं, देखो ये हमने क्या बनाया, एक ये हमने क्या कर दिया, ये जो इसका पारदर्शी पृष्ठ है उसको हमने पॉलिश कर दिया, कलई क्या हुआ पृष्ठ, ठीक है ना, आपने पृष्ठ पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, ये है परावर्तक पृष्ठ, ये जो आगे वो क्या है, हाँ, तो इस पर प्रकाश देखो ऐसे आएगा, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, और इधर जिस पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होगा उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, क्या बोलते हैं उसको, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है इधर, ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया अभिलंब, ठीक है। तो ये क्या हुआ इधर से, ये तुम्हारे पास हो गया आपतित किरण, और ये क्या हो गया परावर्तित किरण, ये क्या हो गया परावर्तित किरण हो गया, समझे तुम लोग, अनुमान लगा देना, क्या प्रतिबिंब होता है यहीं से जाएगा, हाँ अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है दर्पण। अब दर्पण के आकार के आधार पर
हम इसको आगे जो है ना दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास क्या है, समतल दर्पण। ये क्या है हमारे पास, ये है समतल दर्पण। समझे आप लोग, समतल दर्पण। कॉपी करो इसको, लिखो दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार। लिख लिया भाई, लिखो लिखो समतल दर्पण को, सॉरी समतल नहीं, दर्पणों को, दर्पणों को उनकी आकृति, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर दो भागों में, दो भागों में बांटा जाता है। देखो दो प्रकार के होते हैं दर्पण, उसकी आकृति के आधार पर है ना, तो दो टाइप के हैं। पहला कौन सा है, पहला है समतल दर्पण। पहला कौन सा है, पहला है समतल दर्पण, समतल दर्पण, यानी हम इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है भाई, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है लिखो फटाफट से। पहले समतल दर्पण क्या होता है देखो, यानी कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब कुछ गुण आते हैं समतल दर्पणों के, कुछ गुण आते हैं वो हमको लिखना है। लिखो समतल समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों के गुण, के गुण। भाई कौन कौन से गुण हैं, पहला गुण लिखो इसका, ये हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब, सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा सीधा बनाएगा प्रतिबिंब और आभासी बनाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, वस्तु के आकार के, वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है। दो पॉइंट्स हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण के उतनी ही पीछे बनता है, पीछे
बनता है जितना कि वस्तु की दूरी दर्पण से आगे होती है, दर्पण से आगे होती है। समझ आया? ये हमारे पास तीन क्या हो गए, गुण हो गए। समझे भाई तुम लोग? देखो ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, विशेषताएं कह लो, गुण धर्म कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, विशेषताएं हैं। अब क्या बोलता है कि वस्तु व प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, बिंब वस्तु कहते हैं ना, बिंब कहते हैं वस्तु को ही, और बिंब या वस्तु को बनता है प्रतिबिंब। समझ में आया सबको? तो ये हमारे पास क्या आता पॉइंट, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लो अगर दो समतल दर्पण आपस में समांतर रखी जाए, आपस में समांतर रखी जाए तो कितनी प्रतिबिंब प्राप्त होगी, अनंत। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के सामने समांतर रखी जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। कितनी होगी? संख्या अनंत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ अगर हम दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के सामने रखेंगे समांतर तो कितनी प्रतिबिंब प्राप्त होगी, अनंत प्रतिबिंब बनती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना, ये छोटे छोटे जो होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी बनती है। समतल दर्पण होते हैं नाई दुकान पे, खास कर ना पीछे बहुत सारी बनती है, अनंत बनता है। अब हमें यहां पर ना कुछ चीजें लिखनी है। अब हम लोग यहां कुछ अगले पॉइंट्स और लिखते हैं। ये तो गुण था, अब तुमको क्या देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। समतल दर्पण से संबंधित संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है भाई, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी कि प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और ये जितने भी पॉइंट्स लिखूंगा ना, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, यदि दो समतल दर्पणों के बीच
बने कोण थीटा है तो प्रतिबिंबों की संख्या प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? एन मान लो। क्या मान लो? एन। तब देखो सूत्र क्या बनता है, इसका तरीका देखो, कंसेप्ट। लिखें, देखो, तब n इक्वल टू होता है 360 डिग्री बटे थीटा। जितना कोण आपको देगा उससे भाग कर देंगे 360 को, क्या आएगा? प्रतिबिंबों की संख्या आएगी। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब मान लो अगर मेरी हाइट 6 फुट है, तो मेरी अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखने के लिए कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जितना मेरी हाइट है उसका आधा, उसका, ठीक है ना? हाँ, 3 फुट के समतल दर्पण में दिख जाएगी भाई। हाँ, पूरी दिख जाती है। नहीं दिखती भाई, नहीं दिखेगा समतल में, कुछ दिखेगा भैया? दिख जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। यदि h ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब देखना है तो उसे h/2 ऊंचाई वाले समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। समझे भाई आप लोग? आवश्यकता होगी, यानी अगर मेरी हाइट 5 फुट है तो मुझे 2.5 फुट का कम से कम तो दर्पण लेना ही पड़ेगा, अगर मैं खुद को पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता हूं उस शीशे में तो। सच समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट चीज था, आपको ये लिखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, दूरी कांस्टेंट रखनी है तो, है ना? लिखो इसको, अब इसमें जो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे लिखना। लिख लिया ना तो वाला? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यदि सुनो, अब क्या है, मान लो कोई समतल दर्पण है, अगर वास्तव में कोई वस्तु v वेग से जा रहा है तो उस समतल दर्पण में जो वो वस्तु जा रही होगी, गति उसकी होगी वो दुगुनी होगी। क्या होगी? दोगुनी होगी। अगर कोई वस्तु वास्तव में जा रही है v वेग से, कितनी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी वो v है, तो उसकी जो उस चलती हुई गाड़ी की जो प्रतिबिंब के अंदर स्पीड होगी ना, वो उसकी दोगुनी, 2v होगी। ठीक है ना? शीशे में अंदर, ठीक है ना, मतलब दोगुनी होगी उसकी स्पीड। ऐसा, हाँ हाँ, समतल दर्पण की। तो मैं आपको लिखा रहा हूं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। लिखो,
जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब 2v वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा। इसमें कोई समस्या थोड़ी है, ठीक है ना, प्रतीत होगा। देखो इसमें कुछ ऐसे होगा, मान लो हमारे पास समतल दर्पण है, ये हो गया समतल दर्पण, अच्छे से बनाएंगे थोड़ा मजा आएगा। एक मान लो इधर वस्तु है, क्या बना दिया यार, ये मान लो कोई वस्तु है, इधर जाएगा किससे, वी वेग से, किससे, तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा इधर जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का वो इधर की तरफ जो जाएगा वो 2v से जाएगा, किससे जाएगा, 2v से जाएगा। समझ आया, ये खास बात है इसकी, ये क्या है इसकी खास बात है, क्या भाई, मान लो सामने क्या है, दर्पण है, उधर क्या है और मैं इधर हूं, मैं इधर जा रहा हूं, दर्पण तुम कभी चल के देखना वो आगे आ रहा होता है भाई। मान लो अब मैं हूं, सामने दर्पण है, अभी मैं जहां पर हूं उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण पर सामने होता है, पीछे दर्पण के, तो जब मैं सामने जाऊंगा ना तो दर्पण आगे आ रहा होता है, उसका प्रतिबिंब है ना, लेकिन जिस चाल से हम चल रहे होंगे उसके दुगने चाल से वो आगे आ रहा होगा, समझ में आया, ऐसा देखा गया, ऐसा रियल भी है कभी ना, इस चीज को आप लोग इमेजिन करना, क्या करना, इमेजिन करना, मजा आएगा, ठीक है ना। मैं एक लाऊंगा समतल दर्पण यहां पर बड़ा सा लगाऊंगा, फिर देखना उसके अंदर, मैं इस एक्टिविटी को करके दिखाऊंगा शॉर्ट के फॉर्म में ना, ऐसे चल करके सामने, मजा आ जाएगा। देखो अरे इसमें ना एक ही कर लो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, इसमें देखो ये तो फॉर्मूला तुमको तब यूज होना है जब कोई दो दर्पण है, उसके दोनों मतलब दो दर्पण है समतल और उनके बीच में कोण है थीटा, अगर दो समतल दर्पण के बीच में कोण है थीटा है और अगर उसके बीच में कोई वस्तु रख देंगे हम लोग वस्तु कोई, तब कितनी प्रतिबिंब प्राप्त होगी, तो हम उसको बोलते हैं सम, यानी कि तब प्राप्त होगी n इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी ये नहीं आएगा, बटे थीटा आएगा, माइनस एक करेंगे, ठीक है ना, माइनस एक करेंगे, ये लगाएंगे फॉर्मूला, मतलब एक होता है सम एक होता है विषम, क्या होता है सम और विषम होता है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई दो दर्पण है उसके बीच का कोण बन रहा है थीटा और अगर उस दोनों दर्पण के बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए या कोई व्यक्ति पहुंच जाए तब कितना बनेगा प्रतिबिंब, तो जितना भी कोण दिया होगा दोनों के बीच का उस कोण से भाग करेंगे 360 डिग्री को और उसमें से एक माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है, उतनी क्या होगी प्रतिबिंबों की संख्या होगी, क्या होगी प्रतिबिंबों की संख्या, जब बीम उपस्थित है दो दर्पणों के बीच में तब कौन सा
क्या बीम उपस्थित है दो दर्पणों के बीच में, भी हाँ तब ये वाला है, अगर कोई बीम नहीं है तब ये वाला होगा। कहीं तो बीच में नहीं है दर्पण के, कहीं और होगा दूर में, तब ये उसके लिए है। जब दो दर्पण के बीच ही आ गया कोई वस्तु या बिंब, तब बनेगा प्रतिबिंब की संख्या इतनी, ठीक है ना। ये क्या एन क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है ना, ये एन का है। तो इसको अच्छे से लिख लो, है ना, ये हमारा खत्म हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अगली क्लास में ना हम लोग गोल या दर्पण के बारे में बात करेंगे, किसकी, समतल दर्पण बारे में। इतनी सारी खास बातें थी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। टेंथ में आता है लेकिन थोड़ा सा आता है, या ट्वेल्थ क्लास में क्या हो रहा है हमें डिटेल से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, और पढ़ेंगे इसको हम लोग अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख तो चलो, है ना, उस क्वेश्चन को तुम घर पर ट्राई करना, लिखो क्वेश्चन लिखो। दो समतल दर्पण परस्पर क्वेश्चन लिखो दो समतल दर्पण पर इस पर एक दूसरे के बीच 120 डिग्री कोण पर स्थित है, स्थित है, उनके ठीक बीच में एक वस्तु स्थित है, उनके ठीक बीच में एक वस्तु स्थित है। तब क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु के प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या लिखिए, वस्तु के प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या लिखिए, ठीक है ना। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, कौन कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया ना, हो गया, और आपके पास n निकालना है। अब बीच में कोई वस्तु आ गया है तो 360 बटे 120 माइनस एक करोगे, जीरो खत्म हो गया, 3 माइनस 1 बराबर 2 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, कितने होंगे, 2 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था अच्छा सा क्वेश्चन जो कभी आ जाए, ठीक है ना, कंपटीशन में या फिर बोर्ड एग्जाम में, तो आराम से कर पाओगे। जैसे कि बीच वस्तु ना हो तो फिर क्या देगा क्वेश्चन में, हाँ क्या देगा वो क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में क्या देगा। एक क्वेश्चन लिखो और इसके बाद में फटाफट से, जो कि हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन, क्या था, एक मनुष्य 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, एक मनुष्य 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है। दर्पण में प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, इसके प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो बस इसका आंसर आप खुद ही करना, ठीक है ना, ट्राई करना, आंसर आएगा, ठीक है ना, जो कंसेप्ट पीछे लिखवाया है उसके आधार पे, ठीक है ना। सबको पता ही है 30 होगा, है ना, जितना वस्तु की चाल है उसका दुगना होता है प्रतिबिंब की चाल, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, अच्छे से गोलीय दर्पण के साथ, है ना, गोलीय दर्पण भी पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक।
तब तक नमस्कार, जय हिंद।